नमस्कार। सबसे पहले आप सब जन प्रतिनिधि इस जिले के जो यहाँ आए हैं, इस प्रांगण में मुझे जो सम्मान दिया है, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, आपका तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हमारा नाम तो हुआ, जैसे कुछ आदमी जरूर सुन लेगा, लेकिन जो ना परिचय से हुआ हमारा के जानता नहीं। चुनाव प्रबंध ज्यादातर आदमी आप जो इस सभा में बैठे हुए हैं, आपने खुद चुनाव लड़ा है, आप जानते हैं कि चुनाव लड़ना और जीतना कितना मुश्किल काम है। ये बाहर बैठ के बतियावल एगो बात बा, समाज में कई तरह के लोग हैं, बहुत समझदार बहुत पॉपुलर लोग भी हैं, लेकिन चुनाव जीतना वो अपने आप में एक विधा है। आप में से कई लोगों को जो लोग चुनाव जीतते हैं उसके लिए विशेष सम्मान आपके मन में रहता है। अरुआ सब में से कई आदमी के बुझाता बिहार में कोई भूमिका बनल बा, भाई प्रशांत किशोर ऐसा आदमी है जिसका हाथ पकड़ता है वही चुनाव जीत जाता है। तो बहुत आदमी कहीं बुझाता कि हमारा भी दोनों चुनाव जिताने के फॉर्मूला, आधा से ज्यादा आदमी जो हम लोग से जुड़ रहा है तो यही सोच के जुड़ रहा है कि भैया ये आई बाबा हमारे सर पर हाथ रख देंगे, हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो हम भी चुनाव जीत जाएंगे। उस भावना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको शुरुआत में ही स्पष्टता से कह रहे हैं कि हमारे पास चुनाव जिताने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हम बिल्कुल साधारण परिवार के साधारण लड़के हैं। हमारे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, बनिहारी करके बैलगाड़ी चला के हमारे बाबूजी के पढ़ेलन, तो बाबूजी हमारे डॉक्टर रहने जा, एजे सरकारी स्कूल से पढ़ के हमी के निकलल बानी जा, यही से पढ़कर निकले हैं। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि जीवन में कुछ हासिल करने को मिला है। पहले 10 वर्ष तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे, जिस परिचय से आप हमको जानते हैं उनका से पहले 10 वर्ष तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, उसके बाद अफ्रीका में हमने काम किया, फिर आके या काम शुरू कर दी जो ना कि आजकल राजनीतिक रणनीतिकार और चुनाव प्रबंधक के नाम से बतावल जाता है। उस काम को हमने 10 साल किया है, लेकिन जो सफलता मिली वो सफलता इसलिए नहीं मिली कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है, टॉनिक है कि पिला देंगे कोई जीत जाएगा। सफलता के पीछे एक ही कारण है, हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक ही चीज सिखाया है कि जिस काम को भी आप लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और ताकत से कीजिए। आप चुनाव इसलिए जीते हैं, रउआ सब में से ये जितना जीत के आई है चुनाव में, सामान्य पब्लिक जब देखता मुखिया जी काले मुखिया बोलन आज स्कॉर्पियो को घूमता, उसको ये नहीं मालूम है कि मुखिया बनने के लिए आपने वर्षों तक पसीना बहाया होगा, जो सही है वो भी, और बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई गलत आदमी भी जीता हुआ है उसने भी बहुत परिश्रम किया है तब जीता है। आदमी ये सोचता है हम आई आई मुखिया कहता कि हम बन जाए, जो आदमी है वो दूसरे में ही बुराई देख रहा है। ये जो पूरा अभियान हमने शुरू किया है वो बिहार को साल भर दो साल देखने समझने अध्ययन करने के बाद हमने इस अभियान की शुरुआत की है, और इस समझ के साथ शुरुआत की है कि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा तब तक आप राजनीति को और सरकार को सुधार नहीं सकते। गांव में हमनी के जाता नहीं जा, आदमी कहता कि मुखिया जी बड़ा चोर बा,
तो हम रोज कहते हैं कि भैया 500 रुपया लेके वोट रहुआ देता नहीं, आ सोचता नहीं कि मुखिया जी आके ईमानदार रहसी होई कैसे, जब आप मुर्गा भात खा के पाउच पी के 500 रुपया लेकर वोट दे रहे हैं तब तो मुखिया जी अच्छा लागत रह, और आज जब मुखिया जी 10,000 रुपया लेते हैं तो खराब लागता, तो मुखिया जी गेहूं बेच के तरुआ के पैसा दिहन ना। तो शुरुआत अगर गलती समाज में है तो किसी भी हालत में आप स्वच्छ राजनीति की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जन सुराज दल नहीं है, इसीलिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि सबसे पहले बिहार के समाज में ये बात बताई जाए, समझाई जाए कि अगर आपको व्यवस्था सुधारना है अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सुधारना है तो आपको भी अपने सुधारना पड़ेगा। हर आदमी कह रहा है कि भैया शिक्षा व्यवस्था सुधरे के चाहिए, ए भैया भ्रष्टाचार खत्म होके के चाहिए, लेकिन शिक्षा पर कोई वोट नहीं देकर भ्रष्टाचार पर कोई वोट नहीं कर रहा है तो सुधरेगा कैसे, खाली बतियावे से तो हो ही ना। इसीलिए इस अभियान को शुरू किए हैं। बहुत आदमी भी कह रहा है कि ये आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं है। हम कल बता रहे थे यहाँ पर कुछ लोग आए थे कि हमारा आंदोलन में कोई यकीन नहीं। मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आंदोलन से कभी भी मानव सभ्यता का बहुत भला नहीं हुआ है। फ्रांस के क्रांति को अपवाद के तौर पर अगर छोड़ दीजिए तो जब कभी भी आंदोलन हुआ है, क्रांति की गई है, तो क्रांति और आंदोलन से आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, लोगों को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, नई व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। बनाने का, किसी भी चीज को बनाने का एक समय है, बड़ी बिल्डिंग है बुलडोजर रही तो एक दिन में रुआ ठा दे, लेकिन अगर सैकड़ों वर्कर भी हो तो भी एक दिन में बिल्डिंग मकान नहीं बनाया जा सकता है। सृजन का ये प्रकृति का नियम है, सृजन का एक अपना समय है। आज बीज डालिएगा तो 3 महीना के बाद फसल होगा, फसल बन गया तो आप एक दिन में, हार्वेस्टर हो तो 1 घंटा में काट लीजिएगा, हसुआ होगा तो 2 दिन लगेगा, लेकिन 2 दिन में कोई ऐसा उपाय नहीं है कि बीज को पौधा बना दिया जाए। तो इस बात को आप समझिए, बहुत आदमी अधीर होता ए भैया गांधी मैदान में बड़का रैली करी कि गावे गावे कितना दिन चलो, साल 1.5 साल 2 साल अगर चलो तो जहां से शुरू कर रही ऊर्जा लोग भुला गई। तो आपको ये बता रहे हैं, आपका अपना अनुभव भी होगा, समाज में घर में खाना लकड़ी की आंच पर बनता है, घी के आंच पर खाना नहीं बनता है। अगर आप गांधी मैदान में रैली कीजिएगा तो उससे बहुत लोगों से आप वोट ले सकते हैं। गांधी मैदान में रैली करके आप समाज को जगा नहीं सकते। तो ये जो पूरा प्रयास है ये समाज को जगाने का, समझाने का प्रयास है कि आप जगिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। कोई प्रशांत किशोर, कोई लालू, कोई मोदी, कोई नीतीश कुमार बिहार को नहीं सुधार सकता है। जब तक बिहार की जनता नहीं सुधरेगी, आप अपनी चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। जे भी कहता, अगर कोई मंच पर आके कह रहा है कि हमको वोट दीजिए हम आएंगे तो सुधार देंगे, तो आप लिख कर रखिए, दो ही बात हो सकती है, या तो आदमी मूर्ख है उसको समझ ही नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से हमको आपको सबको मूर्ख बना रहा है, जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस अभियान को शुरू किए हैं। देखिए बिहार में जिसने भी यहाँ शासन किया है, जिस दल ने, जिस नेता को अभी आपने चुनाव किया है, उसने क्या काम किया क्या काम नहीं किया ये बहस का मुद्दा नहीं है। हम रोज कहते हैं कि आप मान लीजिए कि सब ने अच्छा काम किया, जिसने जो किया या करने का दावा कर रहा है, अगर सब बात को सही मान लिया जाए
तो भी आज जो बिहार की दुर्दशा है, जो जिंदगी आप जी रहे हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कोई इनकार ना कर सके कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। ये मानने में कोई दिक्कत नहीं थे कि कांग्रेस ने कुछ काम किया होगा 30-40 साल में। मान लीजिए कि लालू जी ने भी 15 साल में सामाजिक न्याय का काम कर दिया, गरीबों को वंचितों को जैसा वो दावा करते हैं आवाज उन्होंने दे दी। मान लीजिए कि नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने भी कुछ विकास कर दिया, सड़क बना दिया, बिजली ला लिए। लेकिन अगर इस सब बात के मानियो लिहल जाए तो वो तो यह बात से इनकार नहीं है कि हमने के सबसे गरीब और पीछे बानी जाए। तो कोई भी सामान्य आदमी ये बता सकता है कि जिस रास्ते पर आप 40-50 साल से हम लोग चल रहे हैं, इस रास्ते पर चलकर बिहार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर बिहार में आप परिवर्तन चाहते हैं, बिहार को भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना चाहते हैं, तो कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, सोच समझ कर नया रास्ता बनाना पड़ेगा। अब रास्ता का होते के चाहिए वही देखने समझने का प्रयास। तो पहले आप समझिए कि बिहार में आखिर इतनी गरीबी है क्यों। देखिए, गरीबी से निकले के पूरा दुनिया में तीन ही रास्ता बताया गया। गरीबी से निकलने का पहला रास्ता है शिक्षा, पढ़ाई। अगर आपके घर में आपका बाल बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, उसको नौकरी मिल जाए, तो वो आदमी आप अपने परिवार की चिंता कर सकते हैं, आप परिवार वो आगे बढ़ सकता है। दूसरा रास्ता है कि अगर पढ़ाई नहीं थे, खेती होके, जमीन होके, तो खेती करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा रास्ता है, अगर पढ़ाई नहीं है, खेती नहीं है, आपके पास पैसा हो, पूंजी हो, तो दुकान दौरी करके, रोजी रोजगार व्यापार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बिहार को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाज के ज्यादातर लोगों के लिए ये तीनों रास्ते बंद हैं। पढ़ाई के व्यवस्था इधर नीचे से ही खत्म हो गई। पूरे आप लोग स्वयं जनप्रतिनिधि हैं, आप देख रहे हैं विद्यालयों की हालत क्या है। विद्यालय की छवि है कि यहाँ पर खिचड़ी बटता है, लेकिन खाली विद्यालय की हालत नहीं थे खराब हो गई। बहुत आदमी हमको कहता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है, पंचायत प्रतिनिधि इन्होंने शिक्षकों से पैसा लेकर गलत लोगों को बहाल कर दिया है। जो गलत शिक्षक हैं वो समस्या का एक पहलू है, लेकिन सिर्फ गलत शिक्षकों से शिक्षा व्यवस्था नहीं बर्बाद हुई है। कॉलेज में तो शिक्षा मित्र नहीं है, कॉलेज में जो पढ़ा रहा है उसको मुखिया जी ने नहीं बहाल किया है। कॉलेज में तो बढ़िया बिल्डिंग बा, ओजा हाता बा 10,000 लेकर नामांकन भी करेले बड़न, ओजा कहे नहीं के पढ़ाई हो, वहां पर भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। कॉलेज में 10,000 लड़कों ने नामांकन कराया है, लेकिन कॉलेज में 3-4 बार लड़का जाता है, एक बार एडमिशन लेने, दूसरी बार एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने, और तीसरी बार डिग्री लेने। तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका लड़का, आपके समाज के लड़के पढ़ेंगे ही नहीं, तो जब पढ़ी ना तो मजदूर ना बनी तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनी, ये बात तो सबके बुझाता। और ज्यादातर लोगों के लिए पढ़ाई का विकल्प, अच्छे शिक्षा का विकल्प बिहार में नहीं है। दूसरा रास्ता हमने बताया आपको कि अगर आपके पास खेती लायक जमीन हो तो आप अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। तो बिहार में पिछला 30-40 साल में समाजवाद की, सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति हुई है, लेकिन आज भी देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग बिहार में ही है। 100 में 60 आदमी बिहार में ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीन नहीं है। जो 40 आदमी के पास जमीन बा, उस 40 में से 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है, बहुत छोटा किसान है। तो 100 में 95 आदमी
आदमी एरिया खेती जो करते हैं जो लोग, वो खाने वाली खेती करते हैं, कमाने वाली खेती नहीं करते हैं। आप अपने खेत में वही उपजा पाते हैं, उतना ही उपजाते हैं कि आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार में पांचे को किसान ऐसा मरण 100 में जो खेती करके आमदनी कर रहा है। और तीसरा, शिक्षा अगर है नहीं, खेती है नहीं, तो तीसरा रास्ता अगर पूंजी होके पैसा होके दुकान दौरी करके आगे बढ़ सकता नहीं। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आएगा 35,000 रुपया औसतन, हमने के 35,000 रुपया साल में एक आदमी कमा रहा है। देश में प्रति व्यक्ति आए हैं 1,45,000 रुपया। तो 35,000 रुपया में आप खाइएगा क्या और खर्चा क्या कीजिएगा और बचाइएगा क्या? और सरकार की ओर से कोई ऐसी सुविधा है नहीं कि आपको रोजी रोजगार व्यापार करने के लिए कर्ज मिल जाए। तो आपके पास शिक्षा है नहीं, कृषि है नहीं, और रोजगार आपके खातिर पूंजी बाना, तो रोगा बिहार में गरीबी खत्म हो ही कैसे? रोगा कितनों कोशिश कर ली, कितना भी हाथ पांव मार लीजिए, जिसको चुनना है चुन लीजिए, जिसको हराना है हरा दीजिए, ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। जब तक बिहार में पढ़ने की अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, जब तक यहाँ खेती को खाने वाले के बजाय कमाने वाला खेती नहीं बनाया जाएगा, और जब तक बैंकों के माध्यम से लोगों को बड़े स्तर पर पूंजी नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तब तक बिहार को से गरीबी नहीं मिटाया जा सकता। यही प्रयास है ये बताने का कि पहले समझिए कि जड़ में क्या बात है। जड़ में जो बिहार के परेशानी के जड़ में बात है, शिक्षा का न होना, कृषि का कमाई का जरिया न होना, और लोगों के पास रोजगार व्यापार नहीं होना। तो इतना बात तो सबके बुझाता, सब आदमी कहते कि भैया इतना बात बुझाता, लेकिन ये सुधरत कहे नहीं थे। हम आपको वो बताते हैं कि ये क्यों नहीं सुधर रहा। देखिए, यह सब आदमी हमने के तैयार हो फल जाए कि और कुछ होके चाहे ना बिहार में लड़कन के पढ़े के व्यवस्था होके के चाहे। अब इतना आदमी वो बैठल बनी सबके जवाब देवे के बाद, बिहार में और कुछ हो ना हो, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे इतना छपरा के आदमी मान, इतना धीमे आवाज में बोली हम, फिर से पूछ रहे बताइए, बिहार में और कुछ हो या ना हो, सब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, छपरा इतना आवाज आई हो, सब आदमी कहते कि होके के चाहे, और सभे इजा प्रबुद्धे बा, जे जनता अनपढ़ बा, जेकरा नइखे बुझात ओकरा के छोड़ दी। आप सब जन प्रतिनिधि हैं, आपको ये समझ में आ रहा है कि शिक्षा को सुधारे बगैर बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। लेकिन अब सवाल आपसे पूछ रहे हैं, अपने अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बोलिए, दूसरे की बात नहीं है, आपकी बात है। अपने दिल पर हाथ रख के अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, आपने हमने कभी भी जीवन में शिक्षा के लिए हमने के वोट देले बनी जा कोई देले बा भाई? इतनी बड़ी सभा में सब लोग समझदार है, रोवत में की अनपढ़, आपको समझ है कि शिक्षा के सुधारे बगैर आप अपना अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप भी शिक्षा पर वोट नहीं दे रहे। राव जो समस्या का ऊपर हुआ वोटे नहीं की दे, आखिर सुधरी कैसे? बिहार में और कुछ होके चाहे ना, हमने के राजनीति के समझ खूब बा। 4 गो लड़का जहां बैठ गई हां, घर में दलाब में खेत में खलिहान में चौक चौराहा पर जहां 4 आदमी बैठी हुई राजनीति बतियाव था। आप बतिया रहे हैं कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा। एजा सड़क नहीं थे, नाली नहीं थे, गली नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, स्कूल नहीं थे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, खेत में पानी नहीं थे। 2000 के धान रोवा बेचत 1400-1500 में, 277 के यूरिया लाठी खा के आदमी खरीदत 500-600 में। ये सब बात रोवा मालूम बा, लेकिन जहिया वोट होई
सब बात भुला जाए। वोट के दिन बिहार में आदमी के चारे को बात याद बा, अरे वह सब चुनाव लड़ल बा, तो सबको मालूम है कि वोट के दिन बिहार में सिर्फ चार बात लोगों को याद है। पहला बात, हमार जात का बा, के हमारा जात चौके अभी खड़ा बा चलो उनके के वोट दिया है। जिन जात से बच गए उनको धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कह के वोट लिया था। 2019 में रहा देखनी सब ने तय किया था, बहुत लोगों ने तय किया था कि अब की हाली भाजपा के सांसद के वोट ना दे, तो हमारा के मुंह नहीं कम देखे। 5 वर्ष हो गए बार काम नहीं कम कैले, लेकिन चुनाव आई तो हल्ला भयल सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। कोई गलती से पूछियो दे ए भाई काहे कहता भाजपा के वोट दे के तो काम नहीं कैले, आदमी गांव भर के छाप ले लो। अरे जब पाकिस्तान हो गए पुलवामा हो गई आ तू नली गली में घुराई पा, ऊपर देखा ऊपर मोदी जी के देखो, जल्दी चलो वोट दो। जे जात से बच गए धर्म में फंस के वोट दे दे, जे दोनों से बच गए आदमी कहता कि जाए जी भैया हमने के कतनो कष्ट में जियल ता नहीं जाना। और लालू जी के जो राज रहे अपराध वाला जो जंगल राज था वो ना चाहिए रे बाप, बाप रे बहुत बहुत खतरा रहे भैया। 4 बजे आदमी सरे छोड़ के भागत रहो, घर में घुस के डकैती अपहरण हत्या होता था। तो जाए जी है नीतीश कतनो खराब करो, भाजपा कतनो खराब बा, इनके के वोट दिया लंटेन ना आवे के चाहे, तो लंटेन के डर से आदमी जाके भाजपा के वोट देता। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता ए भैया कुछो हो जाए किया जाओ चाहे मरल जाओ भाजपा के ना वोट दिया। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा, तो भैया बिहार में बचल के बिहार में तो दुइये को दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा एगो लालू जी के लालटेन। नीतीश कुमार के तो बेचारे के पते दिखे कि कौन लालटेन पकड़ के लटक गई हो ना कब कमल के फूल पर बैठ के पाऊ। तो लोग कहता ये हम लोग के जो हम लोग के मुसलमान भाई हैं वो लोग कह रहा है कि जिए चाहे मरे भाजपा को दे नहीं सकते हैं, लालटेने लौकत और लालटेने में किरासन तेल बन के जलन जाए हमने के इनके के वोट दिया है। रवा सब आदमी चुनाव लड़े वाला आदमी मानी ईमानदारी से बताई कि यही 4 चीज को वोट पड़ा था कि नहीं पड़ा पड़ा था भाई, तो काहे के हमने के माथा पीटो ताली जा। रवा सब नेता ला जेकरे के माइक दे दिया हो 45 मिनट तो जरूर बिहार का नेता बोल सकता है बिना रुके हुए। आ सब शिक्षा स्वास्थ्य भ्रष्टाचार जेपी गांधी लोहिया सब पर भाषण होई, लेकिन भाई जब रउआ जानता नहीं हम जानता नहीं कि कतनो रउआ बतिया ली कतनो भाषण दे दी, बिहार के जनता हंस के गा के गरिया के भोटवा यही 4 चीज को दी। तो रउआ जानता नहीं हम जानता नहीं, कले को जानता सब लालू जी के मालूम बा, मोदी जी नीतीश को भी मालूम है कांग्रेस को भी मालूम है, तो काहे के लिए आपका काम होगा, क्यों काम होगा आपका। बिहार में जो व्यवस्था बिगड़ी है उसके मूल में ये बात है कि यहाँ के जो जन प्रतिनिधि हैं विधायक और एमपी उनके मन से हारने का डर खत्म हो गया है। वो जान रहा है अगर वह एमपी बानी सांसद बानी तो वह जानता नहीं कि मोदी जी के नाम को भटवा पर ये जाए, अगर आप विधायक हैं तो आप जान रहे हैं कि लालू के डर से हमारा के वोट मिलिए जाए। आज लालू के विधायक को सोचा था कि भाजपा के डर से मुसलमान जो यहाँ का काम रहा के वोट दे ये भी हम जा, तो काम करिए चाहे ना करिए। यही व्यवस्था बदलने के लिए पैदल चले आपको समझा रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई आप जगिए और जो आपके और आपके बच्चों की समस्या है उस पर वोट कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा
तो कोई दल कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा, चाहे जिसको भी आप वोट दे दीजिए। बहुत आदमी के भी बुझाता है इधर बिहार में कि हमने के नेता लोग ठगा था और नेता इधर जात के राजनीति करता, तो ये भी आपका भ्रम दूर किए देते हैं। आप इस बात को समझिए, आप में से ज्यादातर जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग कहें भैया बिहार में सब नेता जाते के राजनीति करता। हम आपको बता रहे हैं कि नेता जात का राजनीति बिहार में नहीं कर रहा, कोई नेता बिहार में जात के राजनीति नहीं थे करो। रवा से पूछो, रवा कहो कि रवा बेकार बुझाता, देखी लालू जी जात के राजनीति करके बनैले बन एम वाई सभी कर, तो हम रवा के बताओ तो नहीं लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये मैं कहता भैया कि जादव समाज का कोई आदमी कोई काबिल लड़का बिहार का मुखिया बनेगा और सब जादव जी भाई लोग आप लोग लालटेन को आरजेडी को वोट दीजिए। लालू जी नहीं ना कह रहे हैं, लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुखिया बनेगा और सब जादव जी लोग आप लोग वोट लालटेन को दीजिए। तो जात के राजनीति कहां भोई, ये तो परिवार की स्वार्थ की अपने बेटे की राजनीति कर रहे हैं। जात में तो रहुआ अधूरा ही पानी, लालू जी को अकेले पालन, कोई मांझी जी है, कोई चौबे जी है, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है, कोई कुशवाहा है, कोई दलित है, कोई मुसलमान है, जो नेता है नेता अपने और अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है, अपने परिवार अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। जाति में बिहार की जनता फंसी हुई है, नेता जात के राजनीति में खत्म करो, नेता अपनी राजनीति कर रहा है। तो हम गांव गांव जाकर जन सुराज में यही बता रहे हैं लोगों को कि नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, आप भी अपने बच्चे की चिंता कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो कोई आपको सुधार नहीं पाएगा। आदमी को बुझाते कि कोई एक आदमी आई और सुधार दी, तो देखिए 2014 में हल्ला भइल रहे ना कि मोदी जी आई हम तो पूरा सब कुछ ठीक हो जाए। अब जितना इधर मोदी भक्त आदमी बैठल बा, मोदी जी के जे जे वोट देने का रवा के जानकारी खातिर बता देता नहीं कि 2014 में जब रवा मोदी जी के नाम ना सुन ले होको, रवा तो 13-14 में सुन ले होको, 2011 से हम उनके साथ काम कर रहे हैं, 2011 से 13 तक बिहार यूपी में आधा से ज्यादा आदमी मोदी जी के नाम ना सुन ले रहा। अब वही आदमी मोदी मोदी हल्ला करत रहा, हमारा संगे लाठी डंडा करे के तैयार बड़ा कि भैया रुआ कुछ नहीं के बुझा, मोदी से ही देश का कल्याण होगा। अब हम एक बहस नहीं की करे चाह कि मोदी से देश का कल्याण होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको एक खुली चुनौती देकर जा रहे हैं। मोदी जी 9 बरस से प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से देश का विकास हुआ कि नहीं ये चर्चा का बात है, उसको चर्चा के लिए छोड़ दीजिए। बिहार के लिए मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं इसको छोड़ दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार के कोनो फायदा भइल कि ना इहो छोड़ दी। मोदी जी के आवे से बिहार के लइकन के रोजगार मिलल कि ना इहो छोड़ दी। 9 बरस में टीवी और मीडिया हम लोग को बता रहा है कि मोदी जी 12 घंटा 14 घंटा डेली काम करते हैं, तो आपको हम खुली चुनौती दे रहे हैं, 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक अगर किया है उसका हमको प्रमाण आप हमको दिखा दीजिए कि भैया है न्यूज में आई रहे कि मोदी जी रुक जाए ताली मत बजाई सुन ली पूरा बात। आप हमको एक न्यूज दिखा दीजिए, गूगल पर खोज के हिंदुस्तान दैनिक जागरण में वो खबर दिखा दी, अगर मोदी जी ने 9 बरस में बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक किया है तो हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने के लिए फिर से तैयार। आप हमको दिखाइए मोदी जी 9 बरस में एक समीक्षा बैठक ना कल बिहार खाती, हमने के उछल उछल के जाके कमल पर वोट दबावल जाए तो दोष मोदी जी के बाद कि हमने के बाद। आप 40 में 39 MP मोदी जी का जिताकर हम लोग भेजे हैं,
हमनी के बैठक को हम वोट नहीं जाते ले। अगर आप बिना मांगे वोट दीजिएगा तो आपका लड़का, बिहार का लड़का सूरत में जाकर मजदूर नहीं बनेगा तो या फैक्ट्री का मालिक बनी, फैक्ट्री का मालिक बनेगा गुजरात का आदमी और बिहार का आदमी बनेगा फैक्ट्री में मजदूर। ये आपकी हमारे गलत वोट का कारण है। ना तो मोदी जी सोचे के चाहिए ना कि गुजरात में एक शहर है सूरत, आपने नाम सुना होगा, एक अकेले सूरत में 5 लाख बिहार का लड़का, 5 लाख बिहार के लोग मजदूर हैं। तो रउआ हमारा सोचे के चाहिए ना भाई कि मोदी जी के प्रभाव से सूरत शहर में अगर इतना फैक्ट्री लाग सकेला कि 5 लाख तो बिहार के आदमी जाके नौकरी करता, तो दुगो चार गो फैक्ट्रिया हमने के छपरे में मोतिहारिये में लगवा दे तो मोदी जी काहे लिखा लगवाओ। तो भैया मोदी जी का काहे लगवाओ उस फैक्ट्री, उनका मालूम है बाकी रुआ वोट अपने देवे करो, वो फैक्ट्री लगवाए चाहे नहीं लगवाए आप जाकर लालू जी के डर से मोदी जी को वोट देवे कीजिएगा, राष्ट्रवाद के नाम पर दीजिएगा, भारत पाकिस्तान के नाम पर दीजिएगा, तो फैक्ट्री क्यों लगेगी। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि आप इन चीज से निकलिए और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। तब आदमी कहता ये भैया सब बात हमने के पहले से मालूम बा, खाली हमने विकल्प ना रहे। बिहार में दुए को दल बा भाजपा और आरजेडी, एगो नागनाथ एगो सांपनाथ, के ग्रह के चुनल जाओ, जेकरे के चुनल जाए वह ठगता। आप दल बनाइए। हमारा आदमी कहता कि रउआ भैया दल बनाई, रउआ संगे हमने के खड़ा हो पल जाए, तो हम दल क्यों नहीं बना रहे। हम इतना पूर्वक बनी बिहार के आदमी जो आप लोग हैं, आपके जरिए जो समाज जुड़ा हुआ है बिहार में, लोग आपके अंदर आपके नस में जाति और धर्म का काई इतना जमा दिया गया है कि आप अपने बच्चों की चिंता भी नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारी चिंता कीजिएगा, नहीं कीजिएगा मेरे भाई। ऐसे कहे के बहुत बढ़िया बात, अरे भाई चलो तारण पैदल इनके संगे रह जाए, कोई समाज के लिए नहीं जुड़ रहा है। आपको बात कहेंगे कड़वी लगेगी खराब, कोई हमारे चलने से नहीं जुड़ रहा है। अगर हम 10 वर्ष में चुनाव ना जीतले होती तो कोई ना हमारे संगे जुड़ी, आदमी को एक पगला भी पाओ, लेकिन अब डर इतना है कि देख रहा है कि तो आदमी 85 आदमी संगे पैदल चलता, लेकिन तो पगला गई बड़ा, ऐसे तो कुछ हो ही ना, लेकिन साथ में एक डर भी है कि भाई आदमी जो है ये चुनाव लड़ने लड़ाने जानता है, 10 वर्ष में जिस जहां गया है वही चुनाव जीता है, ज्यादा तो राजनीतिक आदमी तो उसी डर से आके गमछा फेंक रहा है। चलो भैया इनके संगे रहो, कोई ठिकाना नहीं थे कहीं जन सुराज, कहीं जन सुराज ही बड़ा हो गई तो इन्हें रह के पड़ी से आदमी गमछा फेंक पता। ये जो पूरा हम अभियान चला रहे हैं इसलिए चला रहे हैं कि हम दल नहीं बनाए, दल अगर बनाना है तो आपको मिलकर बनाना पड़ेगा। हमारी भूमिका कुम्हार की है, हमारी भूमिका कुम्हार की है। घड़ा तो भैया मिट्टी और चाक से बनेगा, घड़ा मिट्टी और चाक से बनेगा, घड़ा आपकी ताकत से बनेगा, दल आपकी ताकत से बनेगा, चुनाव आपकी ताकत से जीता जाएगा। हमारी भूमिका है कि हम आपको कुम्हार की तरह थोड़ा मदद करें ताकि आप खड़ा हो जाए। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने दल क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि प्रयास ये है कि बिहार में जैसे दल बनता है, जो दल बनाता है वही दल का नेता बन जाता है, जे बनैलस दल वह बन गई नेता। आयोग कह दिलस कि हमारा बात हो या हमार बेटा भूल जाना, तो बिहार का आदमी हमारा झंडा लेके धोआ जा। तो वो दल विकल्प नहीं है, अगर विकल्प बनाना है तो जो रास्ता महात्मा गांधी ने हम लोग को दिखाया, जो हम लोग के पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में जो रास्ता दिखाया कि जब तक समाज को नहीं जगाया जाएगा तब तक कोई विकल्प नहीं बन सकता। तो जन सुराज में जो हम गांव-गांव जा रहे हैं,
जाकर जनता को समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए और साथ में ही समाज से ऐसे लोगों को चुनकर निकाल रहे हैं जो लोग मिलकर एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आदमी पूछा था कि सही आदमी के चुनाव कैसे होता, तो हमारा विजन कोनो पैमाना नहीं के सही आदमी चुने के, एक ही पैमाना है समाज की नजर में जो सही आदमी है। जैसे दही से मथ के आप मक्खन निकालते हैं, दही जो जमी हुई दही है उसमें मक्खन है लेकिन आपको दिखता नहीं है, समाज भी जमे हुए दही के जैसा है। आप उसको मथिएगा तो जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को मथ कर सही आदमी को निकालने का ये अभियान है। एक बार जब पदयात्रा खत्म हुई तो जितने लोगों को समाज से हम चुन कर निकालेंगे, जिनको समाज बताएगा कि ना भैया ये ठीक आदमी हैं, इनके साथ एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब लोगों को एक साथ बैठाया जाएगा और सब लोग मिलकर तय करेंगे कि दल बनाया जाना है तो दल बनेगा। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, वो किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं, वो दल होगा बिहार के उन सारे लोगों का जो लोग इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर चलाएंगे बराबरी के अधिकार आधार पे। ये दल जितना मेरा है उतना ही दल आपका भी होना चाहिए, यही पूरा अभियान है। ये कार्यकर्ता बनावे का अभियान नहीं थे, हम कार्यकर्ता ढूंढे नहीं कि निकलो, हम अपने पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ हमारे बराबरी में चलने का जज्बा और काबिलियत रखते हैं, जो हमारे साथ चल के इस व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। तो अब एक बार आप बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। रवा से वो सवाल पूछो, रवा वोट लेबे वाला है, एजा वोट रवा के देवे के बाद सबको हाथ उठाकर वोट देना है। जिसको हाँ बोलना है वो हाँ बोलेगा, जिसको ना बोलना है वो ना बोलेगा। पिछले 30-40 सालों में आपने हमने जिसको भी वोट दिया, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की है। जिस बिहार को सारे दलों ने, नेताओं ने न सुधार पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार की जनता का है। तो आप बताइए कि बिहार की जनता को मिलकर, हमको, आपको, सबको मिलकर जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। हाथ तो सबके उठे के चाहिए भाई, बिना हाथ उठले ना बिहार सुधरी। फिर से पूछ रहे हैं, हाथ उठाकर बोलिए, सबको मिलकर जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बनाना चाहिए ना भाई। तो रवा साथ से आवेल आदमी ठीक बात, बहुत बढ़िया बढ़िया रो बतिया लेनी, ये बताइए कि चुनाव कैसे जीता जाएगा, उस समीकरण न समझाई, चुनाव कैसे जीतल जाए। आपको ये भी बताने आए, देखिए आप लोग खुद चुनाव लड़े हैं, आपको मालूम है कि लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार अगर जनता खड़ी हो जाए तो कतनो धन बल, कतनो बाहुबल लगा ले रोक ना सकी। जे हमारा के जानता, जो जान रहा है प्रशांत किशोर को, उसको मालूम है इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। इस 10 वर्ष में जिस दल का, जिस नेता का हमने हाथ पकड़ा है वो चुनाव नहीं हारा है, तो इस बार संकल्प लिए हैं किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। बहुत आदमी रोवा गांव देहात में बैठा तो हम कह पूछे आदमी काहे लड़ता चुनाव, तो कहता है लड़ रहा है इसे सीखने के लिए। हम उस कैटेगरी में नहीं है, भोजपुरी में हमने पहला जाना बाज के बुझना और बुझ के बजना, तो हम बुझ के बजने वालों में से है। अगर यहाँ लड़ने आए हैं तो आप मान कर चलिए कि इसको जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं, ये सोच समझ कर आए हैं कि ये कठिन लड़ाई है,
इसको जीतने के लिए कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, ये सब सोच समझकर आए हैं और पूरी तरीके से संकल्पित है जीते बगैर मानेंगे नहीं। आपको तय करना है, तय आपको करना है बिहार में आप किसके साथ चलना चाहते हैं, किसी दल, किसी नेता, किसी विचारधारा के साथ या अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के भविष्य के साथ। तय रुवा करे के बाद अगर आप इससे नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई मलाल नहीं है, जिस दल जिस नेता के साथ आप जुड़े हैं जुड़े रहिए, लेकिन अगर आप गलती कीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार होंगे। अब आपसे एक बार अंत में इस मिट्टी के नाम पर एक नारा लगाकर हम लोग खत्म करेंगे। हमने के देखी बाहर जातनी जब बाहर बिहार से तो जहां जातनी जा तो आदमी कहता बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी शब्द गाली बन गया है, जे करे मन होता वह तू थप्पड़ मार देता बिहार के आदमी को। ये दुर्दशा है बिहार की, अगर इसको सुधारना है तो ये सुधरेगा तब जब आप एक नई व्यवस्था यहाँ बनाएंगे ताकि हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। ये कहता कि बिहार में सब आदमी गुर्बक बढ़ो, हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं ये हम लोग सब गुर्बक लोग नहीं हैं, ये तो ज्ञान की भूमि रही है बिहार, देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। 1500 साल तक इस देश की राजनीति के केंद्र बिंदु में रहा है बिहार, यहाँ से चली है देश की राजनीति। आप खड़े होइए और आप नई व्यवस्था बनाइए, आपको भरोसा दिला रहा हूँ पूरे देश की राजनीति का निडिल घूम कर बिहार की ओर हो जाएगा। बिना हमी के 40 MP के, बिना आपके 40 MP के दिल्ली में सरकार बन सकती है भैया? कोई बना ली सरकार बिना हमी के? तो मांगने से नहीं मिलने वाला है, आपको अपना अधिकार लड़ के लेना पड़ेगा। अना तो हमी के मांगत रह जाए गुजरात तमिलनाडु के विकास हो या हम कैसे ही रह जाएंगे। एक बार एमआरटी के नाम पर हम एक नारा बोलो, हम बोले के जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। छपरा के आदमी में कैसे ज्यादा दम बा, हमारे घर में भोजपुर साहब रोहतास, तो हमने कहिले जा आरा की छपरा बलिया, हमने से ज्यादा मजबूत आदमी कहाँ बा? जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।